चला जाऊंगा जो जो आखिरी टाउन है तुर्की का ग्रीस से पहले। सलाम अलैकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेकेंड मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से मैं जा रहा हूँ किशान, किशान से आगे इब्साला जाना है। इस पे विलेज पे स्टे किया हमने, गाड़ी वहाँ रुकी भी है, थोड़ी देर का स्टे है, ज़्यादा स्टे नहीं है, 10 मिनट का। सामने बिल्कुल समंदर है, मैंने कहा एक समंदर का नज़ारा कर लेते हैं आके, टाइम ज़्यादा नहीं है। ये सैर व सफात के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, होटल बने हुए हैं और बस होटल वगैरह ही हैं, उस तरफ शिप्स लगी हुई हैं, किसी ने सैर सपाटे पर जाना हो। मेरे पीछे समंदर है सारा और उस तरफ गाड़ी है, बस एक छोटा सा व्यू आपको दिखाना था। अब मैं वापस गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ इससे पहले कि वो मुझे छोड़ के चले जाएं, मेरा सामान भी गाड़ी में पड़ा हुआ। आज 15 जुलाई 2021 है और 11 बजे का वक्त हो गया, हमने ये थोड़ा सा स्टे लिया है। 9:15 बजे हम तकरीबन निकले थे इस्तांबुल बेकेंड स्टॉप से, तो यहाँ से ये गाड़ी लेके जाएगी मुझे किशान। किशान से आगे मैंने गाड़ी करनी है चेंज किशान ऑटो गौर से, उसके बाद मैं जाऊंगा किशान सेंट्रल सिटी और वहां से इब्साला की गाड़ी लूंगा। फिर ये पीछे पूरी एक सड़क है मेरे और मैं इस वक्त तकिरदा में खड़ा हुआ हूँ। वापस जा रहा हूं गाड़ी की तरफ, सारे मेरे हाल से बैठ गए हैं, ड्राइवर साथ भी बैठ गए हैं। इस वक्त 12:55 हो गया, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्साला टाउन में और ये तुर्की का लास्ट टाउन है, इसके बाद आगे ग्रीस शुरू हो जाता है, तो यहाँ मैं किसी से मिलने आया हूँ। छोटा सा टाउन है लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि पुराना होगा वैसा नहीं है, टाउन सही है ये, यानी जैसे आप कह लें कोई शहर वगैरह का इलाका होता वही है। और ये ग्रीस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ आके मुझे पता चला कि जो लोग डंकियाँ लगाते हैं वो भी इसी टाउन से गुजर के जाते हैं, इसकी वो मेन रोड है वो सीधा ग्रीस को लगती है, ग्रीस के बॉर्डर को। तो देखो आज मैं यहाँ से सुबह अभी पहुँचा हूँ, 2 बज गए, अभी मैं ज़रा टाउन का चक्कर लगाऊँगा छोटा सा। यहाँ तकरीबन सब ने गाड़ियाँ वगैरह रखे हुए, जैसे हमारे यहाँ गाँव में बड़े बड़े सहन होते हैं बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर भी। यहाँ पे भी एक गटर जो है ये मिट्टी से दब गया, उसकी मेन रोड से हट के अंदर गली में आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो है, घरों के सहन हैं बाहर और एक छोटा सा चबूतरा घर का बना हुआ सही है, बस हमारे जो बहुत बैकवर्ड एरिया उनसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर बाद ग्रीस है, ये सामने जो पहाड़ है वो ग्रीस का बॉर्डर है ये वाले, और इस तरफ के जो खेत हैं ये तुर्की का।
दरमियान में एक दरिया है, मैं इस वक्त यहाँ से ग्रीस देख रहा हूँ, वो सामने जो पहाड़ नजर आ रहे हैं सारे उसमें, और जितनी भी यहाँ पे ज़मीनें हैं नीचे प्लेन ज़मीनें हैं उसकी खेती बाड़ी की, वो तुर्कियों की हैं सारी। ये मस्जिद है यहाँ की। अभी हम इफ्साला के कब्रिस्तान में आए हुए हैं, जो मेन शहर है उसके बिल्कुल बीचों बीच ये कब्रिस्तान बना हुआ है। सिस्तान सिस्तरना सिस्तरना मींस ओके इट्स क्लोज नाउ या बट आई थिंक देयर इज वाटर इनसाइड दे जस्ट क्लोज इट somebody not to drop inside. Mm-hmm. It is about maybe 10 meters down. Very deep. भाई जो सारी facilities हैं, बीम भी है, उसके अलावा छोटी छोटी shops हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ के जो छोटे गाँव भी हैं वो भी आबाद हैं सही तरह, यानी उनका facilities हैं सारी बीम और सस्ती चीज़ों की। दिस वॉज ओल्ड टर्किश बाथ बाथ टर्किश बाथ ओके ओल्ड बट नाउ आई थिंक दे मेड इट लाइक म्यूजियम। ये पुराना टर्किश बाथ है हमाम। इट्स क्लोज्ड और ओपन। Close. ये इफ्साला का सेंटर है बिल्कुल, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो उस तरफ ग्रीस है। एंड दिस इज क्लॉक टावर और ये सूखा धनिया डाला है, नमक डाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इफ्साला के मेन मैदान में, और ये मेरे साथ हसन साहब हैं, तुर्किश हैं। ये इफ्साला का मेन मैदान है, इस तरफ स्कूल है, वहाँ पे बल्दिया का ऑफिस है। ब्रेन वॉशिंग जस्ट बाय वाटर। ये ओटोमन एम्पायर की है बनी हुई मस्जिद। Şimdi belediyeler bu işte sorumlu. मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बहुत गर्मी हो गई थी, सर धोया, मुँह धोया, ठंडा पानी है। अलन का भला कर इन्होंने बता दिया कि पानी ठंडा है यहाँ पे। ये मस्जिद जो है ओटोमन एम्पायर की बनी हुई है, उन्होंने बनाई हुई है, तामीर की हुई है। ये बिल्कुल मैदान के सामने है, एक घड़ी टावर बना हुआ है और उसके बिल्कुल सामने मस्जिद है, उसके बिल्कुल सामने घड़ी टावर है जिसकी इस साइड की घड़ियाँ जो हैं उसको यहाँ गायब हैं, लेकिन अपोजिट साइड पे टाइम आ रहा है। और अभी जो वक्त है 4:50 हो गए हैं। Thank you.
गैलेंट।